प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस बार खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और पंजाब हरियाणा के किसानों को उनकी फसल का भुगतान पहली बार सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचने का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी करने के बाद अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। 8वीं किस्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,44,776 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक कोविड 19 को मात देने वालों की कुल संख्या 2,79,599 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, पिछले 4 में से 3 दिन भारत में कोविड 19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या रोजाना के नए मरीजों से अधिक रही है। पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों में 71.16% मरीज 10 राज्यों से रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 3,43,144 नए मामले आए। यूपी के चित्रकूट में दिन की सुबह 10 बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग होने की सूचना सामने आई। इस गोलीकांड में 3 बदमाशों की मौत की खबर है। मौके पर जिले के तमाम आलाधिकारी पहुंच गए हैं और जांच चल रही है। इस घटना में हमलावर अंकुश दीक्षित, मुख्तार अंसारी का करीबी मेराजुद्दीन उर्फ मेराज अली व पश्चिम यूपी का बड़ा बदमाश मुकिम काला की मौत हुई। चित्रकूट की जिला जेल में आज गैंगवार ने दर्जनों राउंड फायरिंग की गूंज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर बेहद नाराजगी जताने के साथ ही सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में बीते 1 हफ्ते से नदियों में शव मिलने का सिलसिला अनवरत चल रहा है। हमीरपुर और महोबा में यमुना नदी हो या फिर बदायूं से लेकर बलिया तक गंगा, इनमें शव लगातार मिलते ही जा रहे हैं। नदी के अलावा लोग नहरों में भी शवों को फेंकने में संकोच नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जांच की जाए और नदियों में शव कहां कहां से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा परिणाम आया है। हालांकि योगी सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन बेलगाम कोरोना संक्रमण की रफ्तार और स्वास्थ्य सेवाओं की ध्वस्त होती हुई स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा आखिर लॉकडाउन का फैसला लिया गया। हालांकि इसके पीछे ईद का कारण था जो पूरा हो गया। अब यूपी सरकार मंथन कर रही है कि सोमवार को सुबह 7 बजे से खत्म हो रहे लॉकडाउन को कुछ रियायतों के साथ आंशिक रूप से खोल दिया जाए। सूत्रों की खबर है कि सोमवार 17 मई से कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ जिलों में जहां अभी संक्रमण दर ज्यादा है वहां कोई छूट न दी जाए। कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों और उसके परिवार के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडियाकर्मी, अधिमान्य या गैर अधिमान्य पत्रकारों और उनके परिवार का इलाज सरकार कराएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अधिमान्य और गैर अधिमान्य श्रेणी के सभी पत्रकारों को सरकारी अस्पताल और अनुबंधित निजी अस्पताल में कोरोना के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन न मिलने से कल रात 2 बजे से आज सुबह 6 बजे के बीच 13 मरीजों की मौत हो गई। गोवा में अब तक ऑक्सीजन की कमी से 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 16 से 31 मई के बीच केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड 19 वैक्सीन की 1,92,00,000 खुराकें मुफ्त में दी जाएंगी। अभी तक कोरोना मरीजों पर ही काला फंगस की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कानपुर में ऐसा पहला मामला आया है ब्लैक फंगस का जो कोरोना से संक्रमित नहीं है। उसको कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस नवयुवक मरीज की एक आंख बेकार हो गई है और दूसरी से भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के चेयरमैन, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार देने वाली संस्था भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की अध्यक्ष, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित समाज सेविका 84 वर्षीय इंदु जैन का आज कोरोना की वजह से निधन हो गया। बिहार की राजधानी पटना के 4 बड़े अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से कुल 19 लोगों की मौत हो गई। एम्स में 6, पीएमसीएच में 4, आईजीआईएमएस में 1 और एनएमसीएच में 8 लोगों की जान गई है। हालांकि बिहार में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में गिरावट आई है, जो कि राहत देने वाली बात है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 8 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई। इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिले से ब्लैक फंगस के रोगी मिलने की खबर है, जिसमें कानपुर में सबसे अधिक प्रभावित मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस जावेद अख्तर का कोरोना संक्रमण की वजह से आज दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने पिछले 25 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा देकर सराहनीय कार्य किया है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा की मांग बढ़ने पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा सराहनीय पहल करते हुए पिछले 25 दिनों में मुरादाबाद पुलिस के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार, थाना कोतवाली निरीक्षक गजेंद्र त्यागी, थाना सिविल लाइन ने प्लाज्मा दान किया। इसके साथ ही मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार धामा, यातायात पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ जवानों राहुल कुमार पुलिस लाइन, आरक्षी मुकुल राठी थाना छजलैट, आरक्षी अंकित लकड़ा चौधरी थाना मझौला आदि ने तत्काल अस्पतालों में जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों को प्लाज्मा देकर जीवन बचाया। संसद में विश्वासमत गंवाने के कुछ दिन बाद केपी शर्मा ओली ने आज तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ओली को कल इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया। अब विपक्षी पार्टियां नई सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनावों में भाजपा को धूल चटा दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह सबसे ज़्यादा ओवररेटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी, जहाँ वे अपने सहयोगियों के साथ मैदान में थे। प्रशांत किशोर ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र नहीं किया। दरअसल इस चुनाव में वह कांग्रेस के लिए रणनीतिकार का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। चक्रवाती तूफान 17 से 18 मई को गुजरात में तबाही मचा सकता है। पश्चिमी तट की तरफ से आने की आशंका है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट पर अलर्ट जारी कर दिया है और मछुआरों से समुद्र के पास नहीं रहने को कहा है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे अरब सागर से सटे लक्षद्वीप और बढ़ने की आशंका है। इसका असर देश के कई हिस्सों, केरल, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। समाचारों से जुड़े रहने के लिए